हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। रास्ता भूल भारत में घुसाया पाकिस्तान का 8 साल का करीम, बीएसएफ ने जो किया वो जानकर रह जाएंगे हैरान। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की राजस्थान के बाड़मेर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती शाम एक पाकिस्तानी लड़का गलती से प्रवेश कर गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर बीएसएफ रेंजर पहुंचे और स्थिति जानने के लिए उन्होंने पाक रेंजर्स को इसकी इत्तला दी। पाक रेंजर से तकरीबन 2 घंटे बात करने के बाद सीमा सुरक्षा बल ने 8 साल के बालक करीम खान को सही सलामत पुनः पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपकर मानवता का परिचय दिया। बता दें कि पाकिस्तान से बाड़मेर जिले की एक सीमा लगती है, वहां 8 साल का एक छोटा लड़का अंदर आ गया और रोने लगा क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। भारतीय सीमा चौकी पर बीओपी पर पहुंच गया वो। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम करीम खान बताया और ये भी बताया कि वो रास्ता भूलकर गलती से आ गया है और वो भूखा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अधिकारियों ने उस बच्चे के लिए पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए सैनिकों से बात की, उसके बारे में बताया, उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और 2 घंटे उससे बातचीत करने के बाद उसे वापस भेज दिया। क्या कहेंगे दोस्तों हमारे सैनिकों को लेकर, कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की कुछ सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से कई बार लोग रास्ता भटक कर इधर से उधर आ जाते हैं। क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।